पहले ये चेक करो भाई, देखो ये देखो, पहले गोला बड़ा था, किसने पकड़ा है भाई? देखो लक्की शर्मा गोल होती है, उसके बाद गोल्डन पेपर से काम। देखो भाई रावण को पूरा वर्क कर रखा है। कैसी है वंश व्लॉग की पब्लिक? तो गाइस ये चेक करो भाई, मैं आ रखा हूँ कैम्ब्रिज स्कूल के ग्राउंड में। भाई यहाँ बनते तीन रावण, भाई यहाँ बनते कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण। भाई ये चेक करो, काम चल रहा है बहुत जोरों से। तो गाइस यहाँ लगता है वेलवेट पेपर, ओनली फॉर वेलवेट पेपर लगता है, और गोल्डन वर्क ये भी करते हैं। तो गाइस डिटेल से दिखाता हूँ आपको, इनकी प्राइस डिटेल वगैरह सब चीज़ बताता हूँ। तो चलो गाइस बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, चलते करते हैं व्लॉग को जल्दी से स्टार्ट। पहले ये चेक करो भाई, मेरे सामने पड़ा भाई आधा घघरा। भाई ये चेक करो भाई, इस पे हो रखा है प्रॉपर गोल्डन वर्क से काम, उसके गोल्डन पेपर देखो, थर्माकोल होती है, उसके बाद गोल्डन पेपर से काम हो रखा है, काफ़ी सुंदर तरीके से बना रखा है। और वो देखो वहाँ पर पेपर चढ़ रहा है, तो बाकी देखो भैया वहाँ पे सजा रहे हैं। डेकोरेट भाई ये चेक करो, ऐसे कुछ होता है डेकोरेट, जैसे गोल्डन है ना, अब देखो सिल्वर हो रहा है। ये चेक करो भाई, सिल्वर में ओके हो रहा है काम। और ये देखो ये स्टोन्स आते हैं जो लगते हैं ग्लू की वजह से, ये चेक करो, ये ग्लू है। तो गाइस ये चेक करो भाई, यहाँ ना भैया बना के जाके यहीं पे रखी जा रहे हैं। और देखो भाई कितने बहुत पेपर है भाई, देख सकते हो कैसे बना रखे, कितने मस्त मस्त डिज़ाइन है। ये देखो भाई रावण के लिए गोले, भाई एक नंबर तरीके से बना रखे हैं, बहुत सारे डिज़ाइन काट रखे हैं बहुत सारे। ये चेक करो स्टार है भाई, देखो डबल डबल वाले हैं भाई, क्या है भाई, सुभाष नगर की तरह काम होता है बिल्कुल, कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर। ये चेक करो भाई, बहुत तरीके से काम हो रखा है। बाकी ये देखो यहाँ पर भी कुछ काट काट के बनाए, देखो ऐसे पहले ना कटता है, देखो ये काट रखे है ना थर्माकोल, थर्माकोल को काटने के बाद देखो कुछ ऐसे डिज़ाइंस काट के, इसके ऊपर ना ग्लेस पेपर लगाने के बाद ना ये सिल्वर सिल्वर लगा के देखो क्या तैयार कर रखे हैं। भाई ये चेक करो भाई, रावण ना फिर वेलवेट पेपर के ऊपर एक नंबर लगते हैं भाई। ये देखो कितने सारे बना रखे हैं भाई, ये चेक करो, देखो ये देखो पहले गोला बड़ा था ना, मैं छोटे छोटे गोले दिखा रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से लगेंगे, यहाँ पर लगेंगे। और ये देखो भाई ये डिज़ाइन चेक करो, है ना एक नंबर। ये देखो कैसा देख रहा, बीच में गोला और चारों तरफ ऐसे, भाई एक नंबर काम है। ऊपर दिखाता हूँ मैं भी आपको, ये देखो पूरा देख लो भाई, है ना एकदम मस्त तरीके से बन रखा। देखो थर्माकोल ना, वेस्टिंग थर्माकोल पड़ी है। ये देखो ऐसे आते हैं भाई इस बॉक्सेस बन बन के थर्माकोल, कटिंग के बाद देखो मैंने आपको पूरा उसे समझाई दिया है। बाकी ये चेक करो भाई, यहाँ पर देखो मतलब कि यहाँ बनते मेघनाथ कुंभकर्ण और रावण, उसके हाथ बन रखे कितने सारे देख सकते हो भाई, और ये हाथों की ढाल है ढाल। और भाई ये चेक करो भाई, भाई तलवार है रावण की भाई, ये चेक करो भाई, मैं इसको आपको सही से हाइट दिखाता हूँ किने पकड़ा है। भाई देखो लक्की से भी हाइट से कितनी बढ़िया, कम से कम भी भाई 10 फीट की तलवार है। और ये देखो दो दो तलवारें और पड़ी हैं। बाकी ये क्या है, भाला बना रखा है शायद, है ना भाला है ना ये भाई, भाला ही है ये। ये चेक करो भाई, ये तो बने हाथों की ढाल बन रखे, ये कड़े बन रखे हाथों के, बाकी ये सारे हाथ हैं। और यहाँ पर थर्माकोल आ रखी है, बहुत सारी डिज़ाइन अभी वर्क होना बाकी है। यहाँ बढ़िया छातियाँ, मैं अभी आपको छातियाँ भी दिखा देता हूँ। चेक करो रावणों के पैर, ये चेक करो भाई रावणों के पैर, अबे ये देखो भाई रावण पे पूरा वर्क कर रखा है। देखो अभी मैंने दिखाया था ना ऐसे डिज़ाइंस, भाई ये छाती है सबसे बड़ी होएगा रावण, और ये थोड़ी छोटी ढक रखी है, दिखाता हूँ थोड़ा बहुत वर्क कर रखा है इस पर, भाई वर्क तो हो रखा है इस पर भी भाई। ये होगी मेघनाथ की छाती, ये चेक करो, है ना भाई तगड़ी चीज़। ये देखो भाई क्या मस्त तरीके से डिज़ाइन कर रखा है इसको, एक नंबर भाई, एक भाई खड़ा होएगा ना उसके बाद भी दिखाऊंगा मैं आपको कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर आके। बाकी एक बड़ी ये कुंभकर्ण की है भाई, ये भाई इसमें हो रखा है तगड़ा वर्क भाई, ये चेक करो लंबी लंबी है बिल्कुल मस्त तरीके से। ये देखो है ना भाई चीज़ जबरदस्त भाई, गोल्डन वर्क का ही काम है रावण में, तभी बेस्ट लगता है भाई रावण। ये देखो मतलब हाथ आएगा ना तो उसकी बाजू देखो कैसी बना रखी, मतलब एक नंबर थर्माकोल की बना रखी, एक नंबर। ये देखो भाई ये मुंडियों के गोले बने पड़े हैं, ये मुंडियाँ, ये मुंडी बनने वाली है। देखो ये ताज है, ये ताज है मुंडी का, और मुंडी बनी पड़ी है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ बाहर पड़ी है। देखो अंकल जी ग्लेस पेपर पर लही लगा रहे हैं, और देखो ये भैया जो है घाघरे पे लगा रहे हैं। ये देखो सब देखो भाई मेन काम यही है, इसमें मेहनत लगती है ज़्यादा। ये देखो ये भैया एक और लेके आए हैं भाई, लगेगा मस्त तरीके से। देखो भाई रावण की मुंडी, ओ भाई कितनी देख रहे हो, कितनी तगड़ी फिनिशिंग दे रखी भाई। ये देखो बाकी मुँह छानी बाकी है, होट भाई बना दिए तगड़े 3D होट। ये देखो बाकी गाइस यहाँ पर मैच वैच चल रहा है बच्चों के, और यहाँ पर देखो रावण के हाथ के कड़े बना रखे भाई। ये देखो रावण के हाथ के कड़े भाई साहब, वेलवेट पेपर के हो रखे सारे डन कड़े, बाकी इस पे भी गोल्डन ऐसे लगने बाकी हैं डिज़ाइंस। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, बाकी मैं भी आपको भैया से बात करा तो करते हैं तो
इसे मैंने अभी बात करता हूँ। तो भैया जी ये रावण तीनों कितने के पड़ जाते होंगे बम बम लगा के? तीनों रावण करीब करीब 8 लाख रुपए के। बाकी रावण आप ही बनाते हो? पुतला कोई और बनाता है, डेकोरेशन हम करते हैं। अच्छा, किसी को अपने रावण पे डेकोरेशन करवानी हो तो कर दोगे ना? 1500 रुपए फुट। 1500 रुपए फुट। अच्छा, नंबर दे दो एक बार अपना। 9953696759। तो ये भैया का नंबर है। बाकी गाइस, अगर भैया ये रावण खड़े होंगे कितने बजे तक खड़े हो जाएंगे दशहरे वाले दिन? ये होंगे भाई 11 तारीख को करीब रात को 8 बजे। रात को ही खड़े हो जाएंगे ये? हैं, एक दिन पहले दशहरे से? अच्छा, 8-9 बजे तक खड़े। बाकी किसी को देखने आने होंगे तो आ सकते हैं यहाँ पर? कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री ओके। यहाँ पर ना रावण पे ना सारे वेलवेट पेपर लग गया है, तो भैया जी इसको लिटा रहे हैं। भाई ये चेक करो, अभी दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये देखो, ओह भाई साहब, भाई पलट रहे हैं, देखो भाई पलट दिया। कितना बड़ा घगरा है भाई, ये चेक करो भाई। उठा के ले जा रहे धूप में इसको रखने। ये चेक करो भाई, आ गया भाई रावण धूप में। अब इस पे गोल्डन वर्क होएगा भैया। कब तक होएगा गोल्डन वर्क? कल हो जाएगा। होप आपको ये रावण का व्लॉग पसंद आएगा। तो गाइस पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।